आमिर खान ने दिखा दी है टीना दत्ता को उसकी औकात। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टीना दत्ता तो भाई मुंह पे बहुत ज्यादा मीठी बनती है, पर पीठ पीछे जो है सुमुल की काफी ज्यादा बुराइयां करती हुई नजर आती है। ये चीजें जो है आप लोगों को एपिसोड के जरिए दिखा ही देते हैं बिग बॉस। हालांकि बिग बॉस जो है टीना दत्ता को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन जो है दिखाना चाहते हैं, पर आखिरकार टीना दत्ता करती ही ये चीज है, तो बिग बॉस करे तो करे क्या, जो चीज बोलेगी वही चीज तो दिखाई जाएगी। इसीलिए जो है टीना दत्ता को बाहर ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, पर बिग बॉस 16 से पहले उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। जैसे ही उनकी रियलिटी लोगों के सामने आई तब लोग जो है काफी ज्यादा टीना दत्ता को हेट कर रही है। वहीं पर सुमुल का कल बर्थडे था और शालिन का भी कल बर्थडे था, जिसके बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, और की टीना ने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज जो है रेडी किया है उन दोनों के बेड पे, जो है HBDS करके गुलाब की पत्तियों से जो है वो लिखा है SS से शालिन, S से सुमुल। तो ये दोनों जो है SS से है, तो सुमुल को पता ही है कि भाई वो शालिन के लिए ज्यादा करती है, मेरे लिए ज्यादा नहीं करती, एक ही दिन पे मेरा बर्थडे है इसीलिए वो मेरे लिए कर रही है, अदरवाइज वो शालिन के लिए अकेला करती, मेरे लिए नहीं करती, तो थोड़ा बहुत जो है अटपटा हो जाता। जहां पर सुमुल जो है पहले शालिन के बेड पे जाती है, शालिन के बेड को क्लीन करती है, पंखड़ियां जो है वो निकालती है, एक प्लेट में रखती है, अपने बेड पे जाती है, बेड को क्लीन करती है, गुलाब की पत्तियां जो है वो निकालती है और टीना दत्ता के सामने लेके आके छटपट जो है डस्टबिन में फेंक देती है। और जैसे ही सुमुल डस्टबिन में वो गुलाब की पंखियां फेंकती है, वैसे जो है टीना दत्ता का बहुत ही ज्यादा मुंह बन जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि टीना दत्ता जो है इस चीज के बारे में अभी बहुत जल्दी बिचिंग करने वाली है सुमुल के बारे में। हम आप तक उसके बारे में भी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर इसके बाद टीना दत्ता का क्या रिएक्शन था। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।